चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और इसमें अब हम बर्नौलीज थ्योरम और कंटिन्यूटी इक्वेशन के बाद आपको पढ़ा रहे हैं वेंचुरी मीटर। ये वेंचुरी मीटर आसानी है, दिखने में इसके फॉर्मूले थोड़े गंदे हैं, बहुत ज्यादा वैसे इस पे क्वेश्चन अगेन आए नहीं है पेपर, पूरी की पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में से क्वेश्चन कम ही आए हैं, बट देन It may prove to be a game changer. Normally, ये सभी students का chapter weak ही रहता है, तो यदि आप यहाँ इसको अच्छा कर लेंगे तो आप lead ले जाएंगे अपने competitors पे। बाकी chapters में वो भी उतना ही prepared हैं जितने आप prepared हैं। यहाँ पे काफी difference रहता है लोगों के preparation level में, आसान से ही है पर less important है। The venturi meter is a device to measure the flow speed of incompressible fluid. पहले तो लिख दीजिए, it measures flow speed, but it measures flow speed of a fluid. It measures flow speed of a fluid. Incompressible ही मान के चलेंगे हमेशा fluid को, इसलिए इसे incompressible अलग से बोलने से कोई खास मतलब नहीं है। ये flow speed नापता है, यानी velocity नापता है। हम लोग शायद finally velocity का formula देखेंगे। आप NCERT आपके हाथ में है, आप 10.17 पे जरा झांक के देखिए, हाँ ये कुछ velocity की ही तो बात कर रहा है। कहता है इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब विद अ ब्रॉड डायमीटर एंड अ स्मॉल कंस्ट्रिक्शन एट द मिडल। तो ये इसका वेंचुरी मीटर का डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ये ऐसा टाइप का ये रहता है, ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। ये यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड है, इधर ये ब्रॉड है और इधर ये नैरो है, इधर नैरो है, और लिक्विड इसमें से आ रही है और कंटिन्यूसली बह रही है। और इसने जो डायग्राम बनाया है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो का बनाया है, स्ट्रीमलाइंस दिखाई। शायद हम वेंचुरी मीटर को जब इस्तेमाल करें तो फ्लो वेलोसिटी बहुत ज्यादा ना हो, टर्बुलेंस ना हो। स्ट्रीमलाइन इसने डायग्राम में दिखाया है, इसका एक ब्रॉड पोर्शन है और एक नैरो पोर्शन है। नैरो पोर्शन को यह कंस्ट्रिक्शन के नाम से, नैरो में कोई रिस्ट्रिक्शन तो है ही, तो इसका नाम है कंस्ट्रिक्शन। ओके, इधर वापस ब्रॉड हो गया, ब्रॉड नैरो ब्रॉड। ओके, कहता है अ मैनोमीटर इन द फॉर्म ऑफ अ यू ट्यूब इज आल्सो अटैच्ड टू इट। यहां पर ये लोग एक ऐसा मैनोमीटर, यहां पर जैसे यू ट्यूब मैनोमीटर है वो यहां पर कनेक्ट कर देते हैं, यहां हल्का सा होल कर दिया और यहां भी होल कर दिया ताकि वो लिक्विड यहाँ भी आ सके जो बह रही है। तो एक मैनोमीटर, ये यू ट्यूब मैनोमीटर इस वेंचुरी मीटर से कनेक्टेड रहता है। यू ट्यूब मैनोमीटर, अ मैनोमीटर इन द फॉर्म ऑफ अ यू ट्यूब इज ऑल्सो अटैच टू इट विद वन आर्म ऑफ द ब्रॉड नेक पॉइंट ऑफ द ट्यूब एंड द अदर एट कंस्ट्रक्शन इज शोन। ये एक आर्म इसकी यू ट्यूब की, एक आर्म ब्रॉड से कनेक्टेड है और एक आर्म नैरो पोर्शन से कनेक्टेड है। इसको वो नेक भी कह रहा है, नैरो पोर्शन को वो गला कह रहा है। इसका इतना पतला है कि इसका मन कर रहा है गला पकड़ के दबा दो इसका, मोरो डाल। द मैनोमीटर कंटेन्स अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एम। मैनोमेट्रिक लिक्विड है, यहां पे एक लिक्विड है। ये तो पानी है, अगर अंदर वाटर है तो यहां तक ये वाटर ही दिखाया है नीले कलर से, और यहां तक ये वाटर ही दिखा रहा है नीले कलर से, और ये अलग ही लिक्विड है। ये जो है मैनोमीटर के अंदर कोई अलग लिक्विड है, लेकिन शायद मर्क्यूरी या कोई जो भी वो बोलेगा, इसका नाम है मैनोमेट्रिक लिक्विड, जो पानी तो नहीं है कम से कम। अगर ये पानी बह रहा है, अगर यहां जो भी लिक्विड बह रही है उससे ये डिफरेंट लिक्विड है, और इसकी डेंसिटी है रो एम। मैनोमीटर में एक लिक्विड भरी हुई है, उसका नाम है, उसकी डेंसिटी है रो एम। The speed V1 of the liquid flowing through the tube at the broad neck of area A is to be measured from equation of continuity. हमारा कहना है यहाँ velocity V1 है, शायद है area A1 है, यहाँ flow velocity V2 है, और maybe यहाँ area A2 है। तो इससे तो थोड़े नाम अलग अलग लिए हैं। मैं इसी की बात कर लेता हूँ, जो NCERT कह रहा है, ये जहाँ area ज्यादा है उसे capital A से लिखा है, और जहाँ area छोटा है उसे small A से लिखा है। हाँ ये ठीक रहेगा,
A1 A2 में कोई मैसेज नहीं आ रहा, और बड़े और ए में और छोटे ए में कम से कम ये मैसेज तो आ रहा है कि बड़ा ए वहां का एरिया जहाँ एरिया ज्यादा है और छोटा ए लोअर केस लेटर ए वहां का एरिया है जहाँ एरिया कम है। ओके तो ठीक है, देखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह तो हम लगा ही लेंगे, आगे चलते हैं, फिर वो बर्नौलीज़ थ्योरम भी लगाएगा। ऑल राइट, इतना हम कर लेते हैं। ये तो दिस प्रेशर डिफरेंस कॉसेस द फ्लूइड इन द यूट्यूब कनेक्टेड एट द नैरो नेक टू राइज इन कंपैरिजन टू द अदर आर्म। ठीक है, यहां तक पहले जरा दोनों तरफ प्रेशर डिफरेंस तो है, इतना तो मुझे मालूम है कि हॉरिजॉन्टल पाइप है, और हॉरिजॉन्टल पाइप में अगर लिक्विड कंटिन्यूसली बह रही है तो मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन तो लगा सकता हूं। यहाँ लिक्विड थोड़ी सी यहाँ नीचे और यहाँ थोड़ी सी नीचे गई है मैनोमीटर के अंदर, इसको छोड़ दो, इसेंशियली लिक्विड कंटिन्यूसली बह रही थी, मैनोमीटर कनेक्ट करने के पहले तो कंटिन्यूसली बह ही रही थी, इसलिए मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकता हूँ। और फिर मुझे मालूम है कि इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी को छोड़ दीजिए, आप प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम यहाँ पे और प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम यहाँ पे इक्वेट करेंगे, और यहाँ एरिया कम है तो ये वेलोसिटी ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो प्रेशर एनर्जी कम है, यहाँ प्रेशर कम है, हम तो जानते हैं हॉरिजॉन्टल पाइप में जहाँ एरिया ज्यादा वहां प्रेशर ज्यादा, यहाँ प्रेशर P1 है और वो मोर है, यही खास इंपॉर्टेंट एक ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से बनता है नेचुरी मीटर में, और ये कि यहाँ पर प्रेशर कम है कि ज्यादा है, और यहाँ पर वेलोसिटी मोर है, एरिया कम है, एरिया लेस है तो वेलोसिटी मोर है, तो काइनेटिक एनर्जी मोर है तो प्रेशर लेस है, यहाँ पे प्रेशर कम है। चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ प्रेशर कम है ना, इसलिए इसने यहाँ पे जो मैनोमीटर जितना ही अंदर घुस पाया है, इसने इसको अपने लिए अंदर जगह बनानी है, इसका अगर यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ लिक्विड को ज्यादा अंदर पुश कर देगा, यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो इसने लिक्विड को यहाँ ज्यादा अंदर पुश किया, यहाँ प्रेशर कम है तो इसने मैनोमीटर लिक्विड को कम अंदर पुश किया। यही कुछ बातें आप पहले लिख लीजिए, फिर हम इसकी मैथमेटिक्स में जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है जिसको कि मैं 5 स्टार देना चाहूंगा कि ब्रॉड प्रेशर प्रेशर एट द ब्रॉडर सेक्शन ऑफ वेंचुरीमीटर इज मोर, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, जहाँ एरिया ज्यादा वहां प्रेशर ज्यादा, जहाँ एरिया ज्यादा वहां प्रेशर ज्यादा, फ्लूइड डायनामिक्स से ही, और जहां एरिया कम वहां प्रेशर कम, पूरी लॉजिक भी बोल सकते हैं, जहां एरिया कम है वहां वेलोसिटी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो प्रेशर एनर्जी कम है, मतलब प्रेशर कम। अब जहां प्रेशर कम है वहां अगर ओपनिंग मिलेगी तो उतने ही प्रेशर से लिक्विड बाहर निकलना चाहेगी, और मैनोमीटर मिलता है आगे तो मैनोमेट्रिक लिक्विड को उतने ही प्रेशर से वो अंदर पुश करेगी, तो जहां प्रेशर कम है वहां मैनोमेट्रिक लिक्विड, ये जो फ्लोइंग फ्लूइड है वो मैनोमेट्रिक लिक्विड को कम डाउन पुश कर सकती है। इन्होंने इसको हाइट का डिफरेंस एच लिख दिया है सीधे, तो आप तो इसका डायग्राम हम दोबारा बना लेते हैं, इसका डायग्राम दोबारा बना लेते हैं, कहीं कहीं कभी कभी ये डायग्राम किताबों में क्वेश्चन पेपर में ऐसा मिल सकता है। ये नेक वाला पोर्शन है, ये ब्रॉडर वाला पोर्शन है, और यहाँ वो मैनोमीटर कनेक्टेड है, यूट्यूब मैनोमीटर जो है वो कनेक्टेड है, ये लिक्विड बह रही है, ये पानी बह रहा है मे बी, तो यहाँ पर आपको इसको आप H1 दिखाइए और इसको आप H2 दिखाइए, ये वाली लिक्विड जो यहाँ पर है वो इस, अगर यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो मैनोमेट्रिक लिक्विड को ज्यादा डाउन पुश कर देगी, तो H2 ज्यादा है, तो मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ, सॉरी इसको आप H2 बोलिए, इसको आप H1 बोलिए, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, सो H1 इज ग्रेटर देन H2, ये इसका डायग्राम, वो डायग्राम बनाएगा ताकि डायग्राम देखते ही आप घबरा जाए, और वो पूछेगा कि ये डायग्राम कौन सा डायग्राम, 4 डायग्राम देगा एक भी नहीं, और बोलेगा कौन सा डायग्राम सही है, तो जहां ब्रॉडर एरिया है वहां पे प्रेशर ज्यादा है तो वहां पर की फ्लूइड ने, वहां की फ्लूइड ने मैनोमेट्रिक लिक्विड को ज्यादा नीचे पुश कर दिया, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पानी ज्यादा प्रेशर से निकल रहा है, तो अगर यहाँ एक लिक्विड उसे मिलेगी, एक ही रास्ता है उस पानी को इसी रास्ते में आना है, तो वहां मैनोमेट्रिक लिक्विड को ज्यादा नीचे पुश कर देगा, यहाँ सब कुछ ज्यादा है, जहां से वेलोसिटी कम है बाकी सब ज्यादा, यहाँ पर सिर्फ वेलोसिटी लेस है, एरिया मोर है, यहाँ प्रेशर मोर है, और लिक्विड पुश इन मैनोमीटर, हाइट ऑफ लिक्विड पुश या लेंथ ऑफ लिक्विड पुश ये भी मोर है,
यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी वर्क कम है, सिर्फ वेलोसिटी कम है, बाकी सब यहाँ ज्यादा है, यहाँ ये हाइट ज्यादा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं 5 स्टार देने को आपको कहूंगा। हाँ जी बोलिए। यहाँ पे ब्रॉडर सेशन की वजह से सर एच ज्यादा है, तो सर नैरो पे एच कम हो जाएगा, क्योंकि मैनोमीटर लिक्विड भी सर थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो और कम हो जाएगा एच। वो भी कह सकते हैं, यहाँ से ज्यादा पुश कर दिए तो यहाँ ही ऊपर चढ़ जाएगा। एनीवे यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा, तो यहाँ प्रेशर है वही यहाँ प्रेशर आना चाहिए। यहाँ पे आप ये भी आपकी बात सही है कि यहाँ से लिक्विड उसने ज्यादा पुश कर दिए तो यहाँ ज्यादा ऊपर चढ़ी गई है, पर उसको आप बीच में रिलेट मत करो। आप तो यही कहो कि यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो इसने ज्यादा लिक्विड को नीचे पुश किया है, और यहाँ प्रेशर कम है तो इसने मैनोमेट्रिक लिक्विड को कम पुश किया है ना। ऑफ कोर्स जो आप कह रहे हैं उसको रिलेट किया जा सकता है याद करने के लिए, यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो उसने यहाँ लिक्विड को ज्यादा पुश किया तो लिक्विड वहां ऊपर उठ गई है, तो वहां लिक्विड की डेप्थ कम है। अब मेरा कहना यह है कि एरिया यहाँ पे ए है, वेलोसिटी मैं क्या बोलूं, वेलोसिटी ब्रॉडर लिख देता हूँ, वेलोसिटी ब्रॉडर या वेलोसिटी लेस लिख देता हूँ। एरिया ज्यादा ए वन बी वन इज टू ए टू बी टू कर रहा, ये एरिया तो मुझे मिल रहा है कि एरिया कम है, और चलो यहाँ पे वेलोसिटी एट नेक लिख देता हूँ, वेलोसिटी एट नेक। ये ब्रॉडर पोर्शन है, बड़ा एरिया इंटू वेलोसिटी इन द ब्रॉडर सेक्शन इज इक्वल टू छोटा एरिया इंटू वेलोसिटी एट द नेट। पहले तो मैं ये बोल सकता था ए वन एरिया इन ब्रॉडर सेक्शन इंटू वेलोसिटी एट ब्रॉडर सेक्शन इज इक्वल टू एरिया एट नेट इंटू वेलोसिटी एट नेट। फिर आप चाहो तो ये खाली ऐसा लिख सकते हो, बस आप जो भी नाम लिख रहे हैं वो आपको पता हो कि आप क्या चाह रहे हैं। एक तो चीज, एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आई जाएगी हमेशा, मैं सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन तो लगाता हूँ, फिर मैं यहाँ और यहाँ इन दोनों पॉइंट्स पे बर्नौलीज थ्योरम लगाता हूँ, इन पॉइंट्स पे बर्नौलीज थ्योरम लगाता। सो पी ब्रॉडर सेक्शन प्लस हाफ रो, और ये मैनोमेट्रिक लिक्विड नहीं है, ये वेंचुरी मीटर में जो लिक्विड बह रही है वह है। डेंसिटी दो लिक्विड्स की आपको लेनी पड़ सकती है, तो आपको उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। हम अभी इस लिक्विड में बर्नौलीज थ्योरम लगा रहे हैं, सो वेंचुरी मीटर में जो लिक्विड बह रही है उसकी डेंसिटी में रो बी के नाम से पुकार लेता हूँ, मैनोमीटर में जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी में रो एम के नाम से पुकार लेता हूँ। सो पी प्लस हाफ रो वेंचुरीमीटर इनटू वेलोसिटी ब्रॉडर सेक्शन में स्क्वायर। यहाँ और यहाँ हाइट तो सेम ही है, ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो मैं रो जी एच का टर्म नहीं लिख रहा। इज इक्वल टू प्रेशर इन द नैरो सेक्शन प्लस हाफ रो, और वेंचुरीमीटर में बहने वाली लिक्विड, वेंचुरीमीटर में फ्लोइंग लिक्विड, और इनटू वेलोसिटी एट नैरो सेक्शन का स्क्वायर। ये दो इक्वेशन है मेरे पास, एक है कंटिन्यूटी इक्वेशन और एक है बर्नौलीज थ्योरम। इनमें से अगर मुझे, चलिए पहले तो मैं प्रेशर डिफरेंस का ही इक्वेशन निकाल रहा हूँ, इससे अच्छा पी वन माइनस पी टू निकाल लेता हूँ, इससे मैं पी वन माइनस पी टू निकाल लेता हूँ, इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस निकाल लेता हूँ। यहाँ से पी बी माइनस पी एन लिखा जा सकता है, यहाँ से प्रेशर एट ब्रॉडर माइनस प्रेशर एट नैरो सेक्शन को लिखा जा सकता है। हाफ रो बी कॉमन ले लो, और बी नैरो स्क्वायर माइनस बी ब्रॉडर स्क्वायर, ऐसा होगा। पी बी माइनस पी एन में लिख रहा हूँ, पी वन माइनस पी टू में वन क्या है और टू क्या है उसमें कोई मैसेज नहीं मिल रहा है, पर पी ब्रॉडर में तो मुझे मैसेज मिल रहा है, और पी नैरो में मुझे मैसेज मिल रहा है, तो इस तरह से थोड़ा शायद बेटर तो रहेगा। PB माइनस PN एक दोनों इक्वेशंस को दोबारा लिख देता हूँ, दोनों इक्वेशंस दोबारा लिख देता हूँ, और अब यहाँ से हम डेरिवेशन के स्टेप्स ध्यान से देख रहे हैं। इस डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये स्कूल एग्जाम के हिसाब से थोड़ा ज्यादा एडवांस चाहिए, स्कूल एग्जाम में शायद ही कभी पूछा जाए क्योंकि तो थोड़ा सा टफ है। तो एरिया ऑफ ब्रॉडर पोर्शन इनटू वेलोसिटी एट ब्रॉडर पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ नैरो पोर्शन इनटू वेलोसिटी ऑफ नैरो पोर्शन, जिसको कि मैं बाद में बड़ा ए और छोटा ए लिख दूंगा। फिर प्रेशर इन ब्रॉडर पोर्शन प्लस हाफ रो इनटू हाफ रो वेंचुरीमीटर इनटू वेलोसिटी ऑन ब्रॉडर, इधर सब ब्रॉडर के टर्म्स हैं, इज इक्वल टू प्रेशर इन नैरो सेक्शन प्लस हाफ रो और फ्लोइंग लिक्विड वेंचुरीमीटर में इनटू वेलोसिटी एट नैरो सेक्शन का स्क्वायर। और इसे पी बी माइनस पी एन आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन है मेरी, पी बी माइनस पी एन आ रहा है,
half rho v into v n square minus v v square. मुझे पता है कि ब्रॉडर सेक्शन में प्रेशर ज्यादा है, नैरो सेक्शन में प्रेशर कम है, तो ये टर्म पॉजिटिव आ रहा है, और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी पॉजिटिव आना चाहिए, तो v नैरो, हाँ v नैरो मोर है, तो ये मोर स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर है, इसलिए ये इक्वेशन एकदम सही आ रहा है. अब हमको वेलोसिटीज तो हमेशा नहीं पता है, पर अगर वेंचुरीमीटर की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है तो उसके एरियाज तो फिक्स हो चुके हैं, तो हम अपने फॉर्मूले में वेलोसिटीज की जगह एरियाज का टर्म लाने की कोशिश करते हैं. तो हाफ रो वी माइनस पी एन हाफ रो वी इंटू, मैं एक काम करता हूँ, मुझे कौन सी वेलोसिटी चाहिए उसको मैं भाग ले लेता हूँ. मुझे ब्रॉडर सेक्शन में सपोज वेलोसिटी चाहिए, मुझे सपोज ब्रॉडर सेक्शन में वेलोसिटी चाहिए. हाँ, हम लोग को एक्चुअली जो ब्रॉडर पाइप, एक हॉरिजॉन्टल पाइप जा रहा होता है उसमें पानी की वेलोसिटी चाहिए. एक्चुअली हम पाइप को दो पॉइंट्स में से काटते हैं और बीच में छोटा सा वेंचुरीमीटर फिक्स कर देते हैं, तो मुझे हमेशा एक्चुअली पाइप में जो वेलोसिटी बह रहा होता है, पाइप में जो पानी बह रहा होता है उसी की वेलोसिटी जानना होती है. एक्चुअली एक बेसिक हॉरिजॉन्टल पाइप है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, आपको उसमें पाइप में जाने वाले पानी की वेलोसिटी चाहिए, तो आप उसको दो पॉइंट से काट देते हो और बीच में वेंचुरीमीटर फिक्स कर देते हो. तो एक्चुअली आपको ब्रॉडर सेक्शन में जो पानी बह रहा है उसी की वेलोसिटी चाहिए, इसलिए मैं इसमें से वी ब्रॉडर बाहर ले आता हूं. अगर मैं वी वी स्क्वायर बाहर ले आऊंगा तो हो जाएगा वी एन स्क्वायर अपॉन वी वी स्क्वायर माइनस वन. यहां तक तो ठीक है. सो वी वी माइनस पी एन, पी वी माइनस पी एन जीरो हाफ इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग इन द वेंचुरीमीटर इंटू वी ब्रॉडर का स्क्वायर. और अब मुझे यहां पर, ये तो मेरा अननोन है इसलिए मैंने सवाल में से जिंदा रखा है, यही एक्चुअली मुझे निकालना है. मुझे ब्रॉडर सेक्शन में ही पानी की वेलोसिटी हमेशा चाहिए होती है बहने वाली लिक्विड की, इसकी जगह मैं एरियाज का टर्म ले आता हूं. वी एन बाय वी बी की जगह आ जाएगा ए बी बाय ए एन, ए बी बाय ए एन, तो ये ए अपॉन ए का स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा. भाई ये टर्म अगर पॉजिटिव है तो ये टर्म भी पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव आने के लिए ये टर्म एक से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप इसमें से माइनस वन कर रहे हैं तो ये एक से बड़ा होना चाहिए, तो ये बड़ा एरिया अपॉन छोटा एरिया होना चाहिए. अगर ये बड़ा एरिया अपॉन छोटा एरिया होगा तो ही ये टर्म का रेशियो एक से बड़ा आएगा. ये हो गया, हमको एक्चुअली वी पी माइनस वी एन निकालना है, पर ये बस एक काम और कर रहे हैं कि यथा द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फ्लूइड एंड द यू ट्यूब कनेक्टेड एट द नैरो नेक टू राइज in comparison to the other arm. अच्छा, the pressure difference causes the fluid in the U tube connected at the narrow neck to rise in comparison to the other arm. ठीक है, narrow वाले portion में liquid थोड़ा ज़्यादा ऊपर चढ़ गई है broader वाले portion के comparison में. broader वाले portion में pressure ज़्यादा है, उसने liquid को ज़्यादा नीचे push कर दिया है, तो narrow वाले portion में U tube के अंदर liquid ज़्यादा ऊपर उड़ गई है. the pressure, the difference in height h is measured as the pressure difference. ये जो प्रेशर डिफरेंस है ना, इसको मैं एक रोजीएस कह सकता हूं. ये जो प्रेशर डिफरेंस है इसको मैं रोजीएस कह सकता हूं. यहां जो लिक्विड्स की हाइट है ना, यहां जो हाइट है ये हाइट, इनका जो डिफरेंस है ये हाइट, ये जो यहां और यहां प्रेशर डिफरेंस है, यहां पे प्रेशर और यहां पे जो प्रेशर का डिफरेंस है, जो यहां और यहां पे प्रेशर का भी डिफरेंस है, उसे मैं रो ऑफ मैनोमीटर, मैनोमीटर की लिक्विड इंटू जी इंटू ये हाइट का डिफरेंस लिख सकता है. ये हो जाएगा हाफ रो वी और वी वी स्क्वायर, जो कि मुझे निकालना है, इंटू बड़ा एरिया अपॉन छोटा एरिया का स्क्वायर, बड़ा एरिया अपॉन छोटा एरिया का स्क्वायर माइनस वन. एक ही काम मैंने किया है. सबसे पहले मैं पूरा डेरिवेशन की आपसे बात करता हूँ. पहले तो मैंने किया एरिया ऑफ ब्रॉडर पोर्शन इंटू वेलोसिटी एट ब्रॉडर पोर्शन, एरिया एट नैरो पोर्शन इंटू वेलोसिटी एट नैरो पोर्शन. फिर मैंने कहा कि देखो हॉरिजॉन्टल पाइप है तो हाइट तो सेम है, तो यहाँ का प्रेशर प्लस यहाँ का हाफ रो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर प्लस यहाँ का हाफ रो बी स्क्वायर. फिर मैंने पी पी माइनस पी एन निकाला और उधर ये टर्म ले गया, वेलोसिटीज एक तरफ ले आया और प्रेशर का डिफरेंस एक तरफ ले आया. इसमें मैंने वी बी स्क्वायर कॉमन लिया क्योंकि मुझे ब्रॉडर सेक्शन में ही वेलोसिटी चाहिए, तो ये हो जाएगा वी एन बाय वी बी का होल स्क्वायर माइनस वन. फिर वेलोसिटीज की जगह मैं एरियाज लिख देता हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्शन मुझे पता होती है, एरियाज मुझे दोनों पता होते हैं, पाइप का एरिया भी पता होता है और वेंचुरीमीटर के नेक का एरिया भी पता होता है, एरियाज में ला रहा हूं. तो ये इक्वेशन हमेशा, ये टर्म बड़ा एरिया अपन छोटा एरिया होता है हमेशा, ये हमेशा बड़ा एरिया अपन छोटा एरिया होता है, ताकि ये पूरा टर्म पॉजिटिव आता रहे. ऑलराइट, अब असली चीज बस एक ही चीज हमने की है
कि पी बी माइनस पी एन को हमने क्या लिखा है, यहाँ तो डेनोमेटर की लिक्विड है ना यहाँ पर, और यहाँ अगर मुझे प्रेशर डिफरेंस चाहिए तो यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचू और इसके ऊपर ये हाइट एच है, दोनों तरफ हाइट का डिफरेंस एच है, तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये एच रो जी है इस लिक्विड का, तो ये एच रो जी है इस लिक्विड का, ये एच रो जी है जो प्रेशर डिफरेंस है वो एच रो जी है और इसमें रो मैनोमेट्रिक लिक्विड का है, बस ये खास बात है। इससे फाइनली मैं वी बी का स्क्वायर निकालूंगा, आप लिख दीजिए एच इज द डिफरेंस इन हाइट्स, एच इज डिफरेंस इन हाइट्स of the liquid column, h is the difference in heights of the liquid column in the two limbs. Height of the liquid column in the two limbs of the manometer. Of the manometer. Manometer में जो manometric liquid चढ़ी है, manometer के अंदर जो manometric liquid contained है, उसमें जो heights का difference है, ये ऐसा वेंचुरी मीटर है, ये ऐसा वेंचुरी मीटर है, यहाँ पे इन्होंने मैनोमीटर कनेक्ट किया है, यहाँ पे लिक्विड यहां तक आ रही है और यहाँ पे लिक्विड यहां तक आ रही है, ये मैनोमेट्रिक लिक्विड है, ये वेंचुरी मीटर में फ्लो करने वाली लिक्विड है, ये डॉट से जो मैंने दिखाई है वेंचुरी मीटर में फ्लो करने वाली लिक्विड है और ये मैनोमेट्रिक लिक्विड है, तो इनमें दोनों लिम्स में, इस लिम में और इस लिम में जो हाइट का डिफरेंस है वो एच, तो यहाँ जो प्रेशर डिफरेंस है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो प्रेशर डिफरेंस है वो एच रो जी है, और जो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंस है वो यहाँ और यहाँ प्रेशर डिफरेंस है, और इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण पानी बह रहा है, तो उसको मैं एच रो जी लिख सकता हूँ मैं आपके, तो यहाँ हाँ बोलिए, तो यहाँ पे फ्लूइड रेस्ट पे होगी ना क्योंकि प्रेशर अपन सेम हाइट पे, फ्लूइड रेस्ट पर ये वाली लिक्विड भी फ्लूइड, यहाँ सारी फ्लूइड रेस्ट पर है, ये जो मैनोमीटर के अंदर जो लिक्विड घुस गई है वो लिक्विड फ्लूइड रेस्ट पर है और ये वाली लिक्विड कंटिन्यूअसली बहते जा रही है, यहाँ पे आप फ्लूइड स्टैटिक्स के फॉर्मूले लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड है ये पूरी लिक्विड जो मैनोमीटर के अंदर है वो पूरी रेस्ट पर है, चाहे वो मैनोमेट्रिक लिक्विड हो और चाहे वो वेंचुरीमीटर में बहने वाली लिक्विड हो, जो अंदर इस यूट्यूब के अंदर घुस गई है वो कॉलम पूरा का पूरा स्टेशनरी हो गया है, तो यहाँ फ्लूइड स्टैटिक्स के लॉस लगा सकते हैं, यहाँ तो आपको फ्लूइड डायनेमिक्स के लॉस ही लगाने होंगे, ऑलराइट। तो मैं अब समझ रहा हूं कि पी ब्रॉडर माइनस पी नैरोर, ब्रॉडर का मैं अपनी मेमोरी से इस फॉर्मूले को लिख रहा हूं, याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि देखता हूं क्या रिजल्ट आता है, पी ब्रॉडर माइनस पी नैरोर तो पॉजिटिव आ रहा है और बस ये सीधे आ जाएगा हाफ रो वेंचुरीमीटर की लिक्विड इनटू वी नैरोर स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर, ऐसा है प्रेशर का जो डिफरेंस है वो हाफ रो बी स्क्वायर के डिफरेंस के बराबर होता है, इसको मैं डाल दूंगा एच रो जी और ये रो हो जाएगा वेंचुरीमीटर की लिक्विड का, नहीं ये हो जाएगा मैनोमीटर की लिक्विड का और ये हो जाएगा हाफ रो बी, और बी ब्रॉड स्क्वायर में अगर बाहर लेना तो अंदर ए का स्क्वायर माइनस वन बन रहा है, थोड़े से एफर्ट के बाद मुझे ये इक्वेशन याद तो हो रही है, हालांकि मैं क्लियर मानता हूं कि इक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेरा सोचना है, इसमें से मुझे वी बी स्क्वायर निकालना है तो बस फिर मैं एनएचएस पे ले आऊंगा सब कुछ, इसमें से मुझे एक्चुअली वी बी निकालना है, ब्रॉडर सेक्शन में वेलोसिटी निकालनी है, ब्रॉडर सेक्शन में वेलोसिटी निकालनी है, मैं तो कहता हूँ इसी को याद करो और इसी में वैल्यूज पुट करना और इसको बाद में लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना, ये तो फिर भी रिलेटेबल, वीबी का जो फाइनल फॉर्मूला हम दे रहे हैं वो थोड़ी हम याद कर पाएंगे, ये हम डिराइव कर डेरिवेशन से सपोर्ट कर पाएंगे, वीबी का स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो वीबी का स्क्वायर हो रहा है 2h रो m * g, ये 2 पर चला गया, वीबी का स्क्वायर भी टेक केयर हो गया रो v, और नीचे आ जाएगा a अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस 1, तो वीबी हो जाएगा इस पूरे टर्म पे रूट आ जाएगा, तो जाएगा रूट टू एच इंटू रो एम इंटू जी अपॉन रो बी, और ये पूरा टर्म में अगर ऊपर ले जाऊं इस पे भी रूट आएगा, तो जाएगा ए बाय ए का स्क्वायर माइनस वन, फिर उस पूरे पर जब नीचे रूट आ रहा है तो मैं ऊपर ले जाके माइनस वन बाय टू लिखूंगा, वी बी का ये फाइनल फॉर्मूला दिया है जो कि याद कर पाना पॉसिबल नहीं है।
डेंसिटी जरा ध्यान से देख लीजिए, एक मैनोमेट्रिक लिक्विड है और नीचे जिसे खाली रो कहा गया है, जिसके बारे में कोई सब्सक्रिप्ट नहीं यूज किया गया है, वो वेंचुरीमीटर में बहने वाली लिक्विड। अगर ये मुझे पता है कि मैनोमेट्रिक लिक्विड है तो दूसरी वाली जरूर वेंचुरीमीटर वाली ही लिक्विड हुई, इसलिए उसको अलग से कोई सब्सक्रिप्ट देने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला तो मैं याद नहीं हो पाएगा, ये फॉर्मूला मैं दोबारा डिराइव करके देखता हूं। मैं इस रिजल्ट को याद कराने की कोशिश में इस फॉर्मूले को दोबारा डिराइव करने की कोशिश करता हूं। बेसिकली तो प्रेशर एट ब्रॉडर सेक्शन प्लस हाफ रो और वेंचुरीमीटर लिक्विड इनटू वेलोसिटी एट ब्रॉडर सेक्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर एट नैरो सेक्शन प्लस हाफ रो वेंचुरीमीटर के लिक्विड इनटू वेलोसिटी एट नैरो सेक्शन का स्क्वायर। इसलिए PV माइनस PN इज इक्वल टू हाफ रो वेंचुरीमीटर इनटू, अब अगर मैं चाहूं तो मैं डायरेक्ट एक स्टेप मार सकता हूं dV स्क्वायर और VN बाय dV, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन याद तो होते जा रहा है, जितनी बार मैं इसे लिख के करूंगा उतनी बार मुझे स्टेप होते चले जाएंगे, तो मेरे ख्याल से मुझे सही याद हो गया है। जो हो गया एच रो जी में ये रो आएगा मैनोमीटर का इज इक्वल टू हाफ रो वी, और ब्रॉड पोर्शन में जो वेलोसिटी है हम केवल उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, और इसकी जगह आ जाएगा बड़ा एरिया अपॉन छोटा एरिया का स्क्वायर माइनस वन। जब आप इसको डेरिवेशन को 4, 5, 6, 7, 8 बार कर लेंगे तो शायद ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा, और नहीं तो इतने से डेरिवेशन से तो आपको सपोर्ट करना ही चाहिए। मेरे हिसाब से तो मैं इस पर कोई स्टार नहीं दे रहा हूँ, मैं एक ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूँ कि वेंचुरीमीटर में आपको कहेगा कि डायग्राम कौन सा सही है, डायग्राम कौन सा सही है। मैं तो केवल एक ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूँ और वो ये वाला है, ये वाला कि साहब यहाँ पर जहाँ ब्रॉड सेक्शन है वहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ लिक्विड ज्यादा नीचे है, और नैरो सेक्शन में यहाँ प्रेशर कम है, इसने लिक्विड को कम नीचे पुश किया है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है तो इसे ज्यादा पुश कर दिया तो लिक्विड वहां ऊपर उठ गई है। ऐसा ही कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। देयर आर नो गारंटीज दो, इट इज योर चॉइस, कर लें तो अच्छा ही है, अपन ने तो किया ही है, 4, 5, 6 बार जब आप इसे डिराइव करेंगे तो ये डिस्कशन डेफिनेटली इजी हो जाएगा और फिर आपकी ताकत बन जाए। अगर आप इसे कर लेते हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने की संभावना रखते तो हैं, बिकॉज देर आर नो गारंटीज। हो सकता है कि खाली फॉर्मूला ही वो चार ऑप्शन में कहे और बस सॉल्व करना पड़े, तब तो बड़ा लेंथी न्यूमेरिकल है, पर खाली फॉर्मूले पूछ ले तो दो आज तक तो नहीं पूछा है। आगे चलते हैं, द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस मीटर हैज मेनी एप्लीकेशंस, अब कुछ और एप्लीकेशंस भी बताते हैं। कार्बोरेटर ऑटोमोबाइल हैज अ वेंचुरी चैनल यानी नोजल थ्रू विच एयर फ्लोज, ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्बोरेटर में एक वेंचुरी चैनल है जैसे कि नोजल कहते हैं, उसमें एयर हाई स्पीड पे बहती है और हाई स्पीड जहां भी होगी वहां प्रेशर कम हो जाए, ये बात काम की है। जहां भी स्पीड ज्यादा है प्रेशर इज लोअर्ड एट द नैरो नेक, नैरो नेक पर वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होगी। कार्बोरेटर में भी कोई नैरो नेक है कोई ब्रॉडर नेक है, और नैरो नेक पर हमेशा जहां एरिया कम है वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो वहां हमेशा प्रेशर ज्यादा होगा। नैरो नेक पर सॉरी एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और पूरा अगर बोलेंगे तो गलती नहीं होगी, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी सेम है, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो प्रेशर एनर्जी कम है, जहां एरिया कम वहां प्रेशर कम। फ्लूइड डायनामिक्स में बहती हुई लिक्विड में जहां एरिया कम वहां प्रेशर कम, और कार्बोरेटर में गाड़ियों के कार्बोरेटर में इंजन में भी यही हो रहा है। द प्रेशर इज लोअर्ड एट द नैरो नेक एंड द पेट्रोल जो कि गैसोलीन भी होता है इज सक्ड अप इन द चैम्बर टू प्रोवाइड द करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर टू फ्यूल नेसेसरी फॉर कंबशन। हमारी गाड़ियों में और एयर और पेट्रोल का एक मिक्सचर होता है और उसी में फिर जब स्पार्क प्लग में स्पार्क पैदा होती है तो उसी मिक्सचर में इग्निशन होता है और उसी से हीट रिलीज होती है। खैर मैं इसमें से कुछ भी इसे पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि कार्बोरेटर में क्या होता है, मैं इस बारे में आपसे कोई बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ मैं एक ही बात सिखाना बार बार चाहता हूँ कि जहां पर एरिया कम वहां प्रेशर कम, जहां एरिया ज्यादा वहां प्रेशर ज्यादा। इसे मैं अगर 20 बार 50 बार 100 बार 200 बार भी बोलूंगा तो मैं बोलते बोलते थकूंगा नहीं, बोर नहीं होऊंगा, ये नहीं सोचूंगा कि यार अब तो मैंने बहुत बार बोल लिया। 200 बार भी बोलूंगा 500 बार भी बोलूंगा तो उस समय भी बहुत सीरियसली बोलूंगा कि फ्लूइड डायनामिक्स में जहां एरिया कम वहां प्रेशर कम, पूरा कॉन्सेंट्रेट करके मैं इसको बोलूंगा, रैंडमली नहीं बोल जाऊंगा। फ्लूइड स्टैटिक्स में प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, वहां प्रेशर और एरिया शायद इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यहाँ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब जो फ्लूइड स्टैटिक्स में होता है उसका उल्टा फ्लूइड डायनामिक्स में होता है,
जहां एरिया ज्यादा, जहां एरिया ज्यादा वहां प्रेशर ज्यादा, अब हम जानते हैं द प्रेशर इज द लोअर्ड, ये सब हो गया। फिल्टर पंप्स और एस्पिरेटर्स ये सब छोड़ दीजिए, बंसन बर्नर छोड़ दीजिए, एटमाइजर एंड स्प्रेयर छोड़ दीजिए, यूज फॉर परफ्यूम और टू स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। चलिए एक आध डायग्राम जो इन्होंने 10.12 बनाया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप हेडिंग दे दीजिए स्प्रे गन, ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्प्रे गन, स्प्रे गन में एसेंशियली ऐसा कुछ है, यहाँ पे बस एक नैरो होल है, यहां से हम लिक्विड को पुश कर रहे हैं, यहां हम एयर को पुश कर रहे हैं, एयर इज पुश, एयर को पुश कर रहे हैं। तो और यहाँ पे मे भी इसका एक एक कंटेनर यहाँ रखा हुआ है जिसमें एक लिक्विड है, ठीक है ना, ये अंदर ही होगा पूरा पोर्शन अंदर। अब जब आप पुश कर रहे हो तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, एयर को पुश कर रहे हो तो वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, यहाँ से जो एयर निकल रही है इसके ऊपर से जो एयर निकल रही है वो हाई वेलोसिटी एयर है, हाई वेलोसिटी एयर है तो प्रेशर कम, और प्रेशर कम तो फिर लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ये नॉर्मल प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर है। आप एयर को पीछे से पुश करते हुए ला रहे हो, एयर को पुश करते हुए ला रहे हो, जो पुराने वाले फिनिट के पंप होते थे उसमें तो वो बॉक्स बाहर ही लटका रहता था, ऐसे ही रहता था, जहां नोजल रहती थी, जहां आउटलेट रहता था, जहां से आप एयर को पुश करते हुए लाते थे और जो जिस कंटेनर में फिनिट कंटेंट रहती थी, आजकल आप हिट देखते हैं, पहले फिनिट हुआ करती थी, उस कंटेनर में तो बाहर ही एक कंटेनर रहता था जिसमें लिक्विड कंटेंट रहती थी। तो क्या है, यहां से हाई वेलोसिटी एयर आप लेते हुए आए तो यहाँ प्रेशर हो गया लो, यहाँ प्रेशर हो गया लो, और यहाँ पर है हाई प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर, हाई प्रेशर, तो बस हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक लिक्विड अपने आप उठ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक लिक्विड अपने आप ऊपर उठ जाती है, और वहां फिर जो पीछे से हवा आ रही है वो उसको ड्रॉपलेट्स में तोड़ देती है। आपको बस यही समझना होगा, हाई वेलोसिटी एयर इस आउटलेट से बाहर आ रही है, हाई वेलोसिटी एयर इस आउटलेट से बाहर आ रही है, तो यहाँ पर प्रेशर हो जाता है लो, ये नॉर्मल प्रेशर पे लिक्विड है तो लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक राइज कर जाती है, और जब यहाँ लिक्विड पहुंचती है उसके बाद जो पीछे से आ रही हवा है वो उसको ड्रॉपलेट्स में तोड़ देती है। दैट इज हाउ इवन द हीट पंप विच वी यूज दीज डेज वर्क्स। इसी ड्रॉप को ड्रॉपलेट्स में तोड़ने का यही तरीका, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करो, लिक्विड अपने आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी, और वहां जोर से एयर ब्लो कर देना तो ड्रॉप जो है वो ड्रॉपलेट्स में टूट जाएगी। तो दिस आई थिंक इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इन माई ओपिनियन दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इसने लिखा क्या है 10.12 के नीचे वो पढ़ लेते हैं। स्प्रे गन यानी पिस्टन फोर्सेस एयर एट हाई स्पीड्स कॉजिंग अ लोअरिंग ऑफ प्रेशर एट द नेक ऑफ द कंटेनर, बात वही है सारी की सारी। फिर से वही लिख सकते हैं आप, पढ़ा है तो लिख लेते हैं। इन अ स्प्रे गन अ पिस्टन फोर्सेस एयर टू कम आउट ऑफ अ होल, अ पिस्टन फोर्सेस air to come out of a hole at high speed. Piston forces air to come out of a hole at high speed. Full stop. This lowers the pressure. Velocity ज्यादा है तो pressure कम है. बस this lowers the pressure. फिर आप लिख दीजिए लिक्विड राइजेस अप ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस एंड इज ब्लोन इनटू ड्रॉपलेट्स बाय द हाई वेलोसिटी एयर, high speed air. So in my opinion this is not important, just forget about it. Venturimeter ka formula apne aap mein thoda sa kathin hai. Ek baat to ye hai ki hum isse velocity naapte hain kisi pipe mein. Venturimeter mein kya hota hai, aisa ek pipe hota hai jisme behne wale pani ki aapko velocity jaan hai. Venturimeter chhota sa instrument hota hai, itna sa instrument hota hai, isko aap yahan par aisa pipe mein fit kar dijiye, isko fit kar dijiye aur bas ab ye portion ko venturimeter keh rahe hain.
यहाँ आप एक मैनोमीटर कनेक्ट करके हाइट्स का डिफरेंस नोट कर लीजिए, और हाइट्स के डिफरेंस से आपको प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा। फाइनली रीअरेंज करके हम यहाँ की वेलोसिटी निकालते, ये पाइप था, पाइप में पानी की वेलोसिटी हमें चाहिए थी, यानी हमेशा हम वी बी निकालते, हमेशा वी बी निकालते, और इसका फॉर्मूला अगर मैं ऐसे ही मेमोरी से देखने की कोशिश करूँ तो रूट टू जी एच होता है इंटू रो अपॉन रो होता है इंटू ए अपॉन ए का स्क्वेयर माइनस वन पावर माइनस वन बाई टू होता है। मेमोरी से लिखने की मैंने कोशिश की है, ये वाला वो शायद मैनोमीटर लिक्विड का होता है और ये वेंचिलोमीटर में रहने वाली लिक्विड का होता है। एच के साथ तो रो आएगा, एच रो जी तो पूरा साथ साथ चलेगा, ये एच रो जी तो मैनोमीटर लिक्विड का ही आया था, तब ये हाइट मैनोमेट्रिक लिक्विड की है तो डेंसिटी भी मैनोमेट्रिक लिक्विड की होगी। ये हमने ब्रॉडर सेक्शन में वेलोसिटी के फॉर्मूले को भी याद करने की कोशिश कर ली। शुरू में तो हम कहेंगे कि नहीं कर रहे नहीं कर रहे नहीं कर रहे, पर फिर भी नजर तो पड़ेगी, धीरे धीरे हम मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे इसे याद करने के लिए। इनिशियली तो आप बहुत थोड़े से पोर्शन को बोलोगे मैं तो इतना ही करूंगा, इसके अलावा मैं करूंगा ही नहीं, तो चौथी पांचवी छठवीं बार आप ऑटोमेटिकली इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैं आपको चालाकी से सिखा दूं, पर इन जनरल यही होगा कोई पोर्शन आपको खराब लगे तो आप बोलो उसमें कि मैं तो ये 20% मैंने सिलेक्ट कर लिया, बस मैं तो ये करूंगा, इतना आएगा तो क्वेश्चन करूंगा, इसके बाहर आएगा तो नहीं करूंगा, उतना तो करो। हो सकता है आपकी लाइकिंग डेवलप हो जाए, 10% तो करो। चलिए एग्जाम्पल 10.7 देखते हैं, जो कि कह रहा है ब्लड वेलोसिटी, द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ लार्ज आर्टरी ऑफ एन एनेस्थेटाइज्ड डॉग इज डाइवर्टेड थ्रू अ वेंचुरीमीटर। लार्ज आर्टरी में ब्लड जा रहा था, उसको हमने वेंचुरीमीटर में से डाइवर्ट कर दिया। द वाइडर पार्ट ऑफ द मीटर wider part of the meter is the cross sectional area equal to that of the artery। हमको तो mathematical digits ढूंढ रहे हैं हम तो सर, हमको ये फालतू लैंग्वेज नहीं चाहिए कि क्या किया क्या नहीं किया। हमें एक एरिया दिया है, बड़ा वाला एरिया शायद 8 mm² है और छोटा वाला जो 4 है वो छोटा ही है। तो मैंने अब तक केवल एक ही काम की बात जानी है कि भाई एक मुझे बड़ा एरिया दिया है क्योंकि 8 है तो बड़ा है और 4 है तो छोटा है, और वेंचुरीमीटर का नाम इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो मेरा दिमाग ये समझ में आ गया कौन से चैप्टर का सवाल। The narrower part is an area of this much. The pressure drop directly इसने पास्कल में दे दिया भाई। The pressure drop in the artery is 24 pascal. Pressure drop दे दिया, शायद HOG पूरा directly ही दे दिया अपने। What is the speed of the blood in the artery? What is the speed of the blood in the artery? So areas का ratio उसने दिया है। Artery में ही जो artery जो broader portion है, example 3.4 और example 10.7 में हम ये देखते हैं आर्टरी का एरिया बड़ा ए, आर्टरी का एरिया है 8 mm² ये सेंटीमीटर स्क्वायर में तो नहीं होगा, मिलीमीटर स्क्वायर में होगा, और फिर वाइडर पार्ट ऑफ द मीटर हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया, द नैरोअर पार्ट हैज एन एरिया, अभी जो भी नैरोअर पार्ट है वो 4 mm² है। वेंचुरीमीटर का नाम उसने लिया है, वेंचुरीमीटर का नाम लिया है, और प्रेशर ड्रॉप भी उसने कुछ में से दे दिया है। P1 माइनस P2 जो मैं एच रो जी लेता था वो उसने डायरेक्टली मुझे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही दे दिया। अब वो कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लड इन द आर्टरी, आर्टरी है ना वो जो ब्रॉडर पाइप है उसी में वेलोसिटी चाहिए, हमें वेलोसिटी इन आर्टरी चाहिए। जब ये फ्लोइंग लिक्विड कौन सी, हमें उससे भी मतलब नहीं कि ब्लड है कि पानी है, हमें आर्टरी चाहिए और ये ब्रॉडर पोर्शन में वेलोसिटी है, बस यही काम की बात है कि ब्रॉडर पोर्शन में वेलोसिटी मांगी है। तो अब शायद मुझे वो फॉर्मूला पूरा का पूरा लगाना ही पड़ेगा, मैं तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट नहीं बोलता क्योंकि वो फॉर्मूला लगवाने की बात कर रहा है, ये बेसिक से ही करता हूँ। अच्छा चलिए बेसिक से करता हूँ इसकी सोल्यूशन, क्योंकि P1 - P2 से डायरेक्टली दे दिया है, P1 - P2 = ½ρ, कुछ V2² - V1² टाइप की इक्वेशन। तो P1 - P2 = ½ρ, ये बहने वाली लिक्विड है, ब्लड की डेंसिटी क्या उसने दी है, एरिया डायरेक्टली दिए हैं, ब्लड की डेंसिटी टेबल 10.1 से उठा ली, सॉल्यूशन में दी है, हाँ नहीं सॉल्यूशन में तो दी है, साथ में वगैरह आप टेबल 10.1 से उठाई, टेबल 10.1 में उसने कई चीजों की डेंसिटीज की लिस्ट बना के दी होगी। टेबल 10.1 में जो कि काफी पहले दिया है,
251 पे दिया है। पेज नंबर 251 पेज नंबर 251 है मेरे वाले प्लस एडिशन है, उसमें भी उसमें टेबल 10.1 दिया डेंसिटीज ऑफ सम कॉमन फ्लूइड्स एंड सिस्टम। आपको पूरा डेटा मैक्सिमम डेटा पेपर में दिया जाता है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। पानी से शायद थोड़ी सी ज्यादा है, पानी की डेंसिटी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ये पानी से थोड़ी सी ज्यादा है। एनीवे मैं ये हाफ लो ब्लड लिख लेता हूं, फिर v1 स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूं, तो ये v2 स्क्वायर / v1 स्क्वायर हो जाएगा, जो कि a / a का स्क्वायर - 1 हो जाएगा। ऐसी कोई इक्वेशन बस मुझे बना दो, मैं यहां वैल्यूज डाल देता हूं। अब अगर मैं यहां वैल्यूज डाल दूं तो p1 - p2 से मुझे डायरेक्टली 24 दे दिया है, ऐसा यूनिट है इज इक्वल टू हाफ, फिर डेंसिटी ऑफ 1.06 * 10 स्क्वायर है b ब्लड का स्क्वायर। ये ब्रॉडर सेक्शन है, ब्रॉडर सेक्शन में ब्लड की वेलोसिटी है, यानी वेंचुरी बड़ी वाली आर्टरी में, और ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा बस। तो मैं तो इसी इक्वेशन के फेवर में हूं कि ऐसी इक्वेशन ही आप बस याद करिए, आप डायरेक्टली और कुछ याद मत करिए, आप तो बेसिकली यही याद करिए कि p1 + 1/2 v1 स्क्वायर इक्वल टू p2 + 1/2 v2 स्क्वायर, और इसमें p1 - p2 को हाफ रो v2 स्क्वायर - v1 स्क्वायर लिख लीजिए, फिर बस देख लीजिए कि कॉमन क्या निकालना है आपको। जो वेलोसिटी चाहिए उसको यहां से बाहर निकाल लीजिएगा, और हमेशा v ब्रॉडर की ही हम कोशिश करेंगे, v ब्रॉडर निकालना है हमें। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखने के बजाय ये वाला जो फॉर्मूला था ना, p1 - p2 = हाफ रो v स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट के अंदर a / a का होल स्क्वायर माइनस का, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला एसेंशियली याद करने की कोशिश करिए। हाफ रो b ब्रॉडर का स्क्वायर * बड़ा a / छोटा a का स्क्वायर माइनस 1, और इसमें से आप फिर बाद में LHS में ले जाके VB को निकाल। बढ़िया है, आसान से ही दिख रहा है। मैं तो फिर भी कह रहा हूं कि नहीं करना तो मत करो, मैंने तो दम लग देखा कि इस पे क्रॉस लगा दिया, मैंने इस पे स्टार नहीं लगवाया। सारे फॉर्मूले जो एनसीईआरटी में है वो तो आपको याद होने ही चाहिए, और उसके बावजूद भी मैं दम दिखा रहा हूं और मैं इस पे स्टार नहीं लगवा रहा हूं, और मुझे मालूम है धीरे धीरे मैं आपको सिखा ले जाऊं। इनिशियली ये बड़े बड़े फॉर्मूले देख के आप अवस हो जाते हो, आप पूरे चैप्टर से ही नफरत करने लगते हो, तो मैं तो कह रहा हूँ थियोरी पढ़ो थोड़ी सी, और बर्नौलीज़ थ्योरम तो हमें आती है, टच में अगर बने रहे तो फिर हम ये सारी डेप्थ भी सीख लेंगे। इंपॉर्टेंट है कि आप इस चैप्टर से अवस ना हो जाए, इससे आपको फोबिया ना हो, डर ना लगे, नफरत ना हो जाए। छोटा छोटा पोर्शन भी अगर नहीं समझता है तो फिर हमें धीरे धीरे पूरी पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स ही बेकार लगने लगेगी, और शायद पूरी पूरी फिजिक्स ही बेकार लगने लगेगी। तो कुछ कुछ पोर्शन को हटा दो, इनकी हम बाद में बात देखेंगे, क्लियर हो गया तो बाद में कर लेंगे, अभी तो नहीं कर, अभी तो बहुत शुरुआत थी, अभी तो 10 रिवीजन 15 रिवीजन 20 रिवीजन आप करोगे ही करोगे, तो 5 रिवीजन बाद कहानी अलग ही होगी। अभी से कुछ ज्यादा इसके बारे में नोशन मत बना, ये चैप्टर आसान है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, बोलो इतना पोर्शन अच्छा लग रहा है बाकी पोर्शन बुरा लग रहा है, और जो अच्छा लग रहा है मैं अभी वही करूंगा। एनीवे आगे चलते हैं 10.4.3 में, ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक, कहता बर्नौलीज़ प्रिंसिपल हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग ब्लड फ्लो इन आर्टरी। ये अगेन वंस अगेन थ्योरी है और मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं नहीं, एप्लीकेशन ओरिएंटेड थ्योरी अलग ही होती है और ये नॉलेज वाली थ्योरी अलग ही होती है, और नॉलेज वाली थ्योरी मेरे हिसाब से फिजिक्स में तो काम की नहीं। बर्नौलीज़ प्रिंसिपल हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग ब्लड फ्लो इन आर्टरी, द आर्टरी मे गेट कंस्ट्रक्टेड, हालांकि बहुत हाई ज्यादा अच्छी खासी एप्लीकेशन ओरिएंटेड दिख रही है, कम से कम बायो के स्टूडेंट्स के लिए ऐसा लगता है कि बायो के पोर्शन में तो कम से कम इससे रिलेटेड बातें कर ही सकते हैं वो, पर कुछ नहीं करते। जब आप मेडिसिन प्रोफेशन फॉलो करते हो तो बॉडी तो पूरी फ्लूइड से भरी हुई है, तो फ्लूइड फ्लो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर तो हो ही जाता है, फ्लूइड फ्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर तो हो जाता है व्हाइल यू परस्यू मेडिसिन, पर वो तब की बात है ना, मेडिसिन में चैप्टर काम आएगा उसके लिए। आज अगर मैं आपको ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा दूं तो आप भी गधे हो और मैं भी गधा हूं, और मैं ही ज्यादा पढ़ाऊं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं कि भाई मेडिसिन में काम आएगा, पहले पहुंच तो जाओ। ये डेफिनेटली मेडिसिन में काम आने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स की तो बातें आप अभी से करना शुरू कर ही देते हैं, पर नीट में तो इसके क्वेश्चन बहुत ही कम है, वो आपके PYQ आप देख ही रहे होंगे, PYQ चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जहाँ है वहां आप देख ही रहे होंगे कि बहुत ही सबसे कम इसी चैप्टर के क्वेश्चन मिलेंगे आप।
तो पी वाई क्यू चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज करने से बड़ा फायदा ये भी मिलता था, समझ में आ जाता है कि किस चैप्टर में से कम क्वेश्चन आए, किसमें से ज्यादा क्वेश्चन आए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक आपने देखे होंगे जो मेरे ख्याल से वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में से आए होंगे या न्यूटन्स लॉ में से आए होंगे। मेडिसिन में काम आएगा पर तब जब आप वहां पहुंचेंगे। Bernoulli's principle helps in explaining blood flow in artery. The artery may get constricted due to the accumulation of plaque on its inner walls. Artery की walls पे कुछ कुछ जमा हो जाता है, cholesterol वगैरह या plaque कह रहा है, तो वो आर्टरी कहीं कहीं नैरो हो जाती है। द आर्टरी में गेट कंस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ प्लाक ऑन इट्स इनर वॉल्स। इन ऑर्डर टू ड्राइव द ब्लड थ्रू दिस कंस्ट्रिक्शन अ ग्रेटर डिमांड इज प्लेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। भाई जहाँ एरिया कम हो गया वहां पे तो अब रास्ता नहीं है, तो वहां से इसको पुश करने के लिए वो हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा ताकि लिपिड बहे, हार्ट में प्रेशर ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा। The speed of the flow of the blood in this region is raised, which lowers the pressure inside the artery, and the artery may collapse due to the external pressure. भाई यहाँ पे ये जो narrow portion है, ये जो artery का narrow portion है, ये plaque के मारे इतना plaque जमा हो गया है, चलो ये narrow portion है, यहाँ area कम है तो velocity ज़्यादा है, तो यहाँ अंदर pressure less, और बाहर pressure तो normal more pressure, यहाँ more pressure, तो यहाँ ये पूरी artery collapse ही हो सकती है। जो जहां पर प्लाक जमा हो गया है, जहां पे चोक हो गई आर्टरी हमारी, वहां पर वेलोसिटी मोर हो गई तो प्रेशर कम हो गया है, और बाहर प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर डिफरेंस के कारण ये आर्टरी पूरी कोलैप्स हो सकती है। द आर्टरी में कोलैप्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, द हार्ट एक्सर्ट्स फर्दर प्रेशर टू ओपन दिस आर्टरी एंड फोर्सेस द ब्लड थ्रू, एंड दिस फोर्सेस द ब्लड थ्रू। यहाँ पे इसे और ज्यादा प्रेशर डेवलप करना है, प्रेशर डेवलप करेगा तभी इसको खोल पाएगा वापस। ये आर्टरी तो ब्लॉक हो ही गई है, अब यहाँ से ज्यादा प्रेशर से अगर ब्लड आएगा तो इसमें से फिर ब्लड बह जाएगा। मुझे ज्यादा ये सब समझ आता नहीं और मुझे जरूरत भी नहीं है इसे समझने की। द हार्ट एक्सर्ट्स फर्दर प्रेशर टू ओपन दिस आर्टरी एंड फोर्सेस द ब्लड थ्रू, एज द ब्लड रशेस थ्रू द ओपनिंग द इंटरनल प्रेशर वंस अगेन ड्रॉप्स ड्यू टू द सेम रीजंस लीडिंग टू रिपीट कोलैप्स। फिर वही होगा, बार बार यही होगा, एंड दिस में रिजल्ट इन हार्ट अटैक, और ये तब तक होता रहेगा जब तक जैसी आराम ना हो जाए। स्टॉप डॉट फुल स्टॉप स्टोरी दी है। वो कह रहा है बार बार यही होगा, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ प्रेशर कम होगा, और फिर बाहर से प्रेशर आएगा और आर्टरी आपकी फिर कोलैप्स होती जाएगी। एक बार दो बार तीन बार बस बहुत है, ऐसे ही कुछ है। तो रीजन ऑफ हार्ट अटैक क्या है या उसकी उसकी पूरा मैकेनिज्म क्या है, That will never be asked in exams. किसी भी एग्जाम में ना आज तक आया है ना आएगा, इसे आप भूल ही जाए तो अच्छा। चलिए हम ये थोड़ा सा क्वेश्चन और इसका कर ही देते हैं ताकि हम इस पूरे डिस्कशन को समाप्त कर देते हैं। डायनेमिक लिफ्ट के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। द डायनेमिक लिफ्ट इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द बॉडी सच एज एयरप्लेन विंग, अ हाइड्रोफॉल और अ स्पिनिंग बॉल बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन थ्रू अ फ्लूइड। In many games such as cricket, tennis, baseball or golf, we notice that a spinning ball deviates from its parabolic trajectory as it moves through air. The deviation of the can be partly explained on the basis of Bernoulli's principle. Iske explanation mein hum zyada interested nahi hai, heading to aap pehle yahi de dijiye, dynamic lift aur bas answer ye likhiye ki lift is equal to force. Wo kahega lift nikaliye ya dynamic lift nikaliye, ab aapko pata nahi nikalna क्या है। हालांकि जो ऑप्शन है उसकी यूनिट आपको बता देंगे कि सारे ऑप्शन न्यूटन्स में है। इंपॉर्टेंट बात यह है, चार स्टॉप देने वाले, कि लिफ्ट इज इक्वल टू फोर्स, जो डायनेमिक लिफ्ट इज द फोर्स। बस एरोप्लेन के विंग पे भी यही काम करता है, हाइड्रोफॉइल पे भी यही काम करता है, और बॉल पे भी यही काम करता है। इन मेनी गेम्स सच एज क्रिकेट, टेनिस, बेसबॉल और गोल्फ, वी नोटिस दैट स्पिनिंग बॉल डेविएट्स मोर डेविएट्स फ्रॉम इट्स पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी एज इट मूव्स थ्रू एयर। मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ये पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या है। बॉल मूविंग विदाउट स्पिन, जब बॉल में स्पिन नहीं होती है तब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बातें, इसने स्ट्रीमलाइंस बना के दी है। जब बॉल में स्पिन नहीं है तो इसने स्ट्रीमलाइंस बनाई है कि ऊपर और नीचे बॉल के स्ट्रीमलाइंस आइडेंटिकल, जैसा कि फिगर 10.13 ए में बनाया है। जब बॉल में स्पिन नहीं है तो जैसी
स्ट्रीम लाइन्स यहाँ है वैसी ही स्ट्रीम लाइन्स यहाँ है, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। आइडेंटिकल स्ट्रीम लाइन्स फिगर 10.13 ए में उसने बनाई। ये पोर्शन इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इसकी ज्यादा परवाह ना करें। कहता है shows the streamlines around a non-spinning ball moving relative to a fluid, मतलब air. From the symmetry of streamlines, it is clear that the velocity of fluid air above and below the at corresponding points is the same, zero pressure difference. कहता है यहाँ पे जो velocity है वो यहाँ velocity है, और velocity में difference नहीं है तो pressure में difference नहीं है। जब ball without spinning जा रही है तो ball के दोनों side कोई pressure difference नहीं है। ये point हमारे लिए ऐसा खास लिखने लायक नहीं है, मैं ऐसा नहीं लिखवाता। The air therefore exerts no upward or downward force on the ball. जब ball without spinning जा रही है, ऐसा चलिए एक line लिख दीजिए। When a ball moves without spinning, then there is no velocity difference and there is no pressure difference. अगर ball without spinning जा रही है, तो there is no velocity difference and therefore there is no pressure difference. बस इतना काफी। एनसीईआरटी में दिया था इसलिए हमने लिख लिया, पर आप इसे क्रॉस लगा दीजिए, ये कभी आपसे कोई नहीं पूछेगा। फिर कहता है बॉल मूविंग विद स्पिन, अ बॉल व्हिच इज स्पिनिंग ड्रैग्स एयर अलोंग विद इट। ये मैं कुछ शॉर्ट में थोड़ा बहुत समझा दूंगा, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, पढ़ जरूर लेता हूँ। अ बॉल व्हिच इज स्पिनिंग ड्रैग्स एयर अलोंग विद इट, इफ द सर्फेस इज रफ मोर एयर विल बी ड्रैग्ड। सर्फेस अगर रफ है तो एयर मॉलिक्यूल उससे शायद अंदर घुस जाएंगे, जहां जहां वो इरेगुलरिटीज हैं अंदर एयर ट्रैप हो जाएगी थोड़ी सी, पता नहीं क्या है। इफ द सरफेस इज रफ मोर एयर विल बी ड्रैग, शोज द स्ट्रीम लाइंस ऑफ द बॉल फॉर विच आर मूविंग एंड स्पिनिंग एट द सेम टाइम। एक बॉल अगर स्पिन करते करते मूव कर रही है तो स्ट्रीम लाइन थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, कहाँ स्ट्रीम लाइन ज्यादा क्राउडेड होगी कहाँ लेस क्राउडेड होगी, मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इतना डीप में जाने में। द शोज स्ट्रीम लाइन्स फॉर अ बॉल विच इज मूविंग एंड स्पिनिंग एट द सेम टाइम, द बॉल इज मूविंग फॉरवर्ड एंड रिलेटिव टू द एयर इज मूविंग बैकवर्ड। Therefore, the velocity of the air above the ball related to the ball is larger and below it is a smaller. ये हम चलिए डायग्राम में दिखा सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पे मैं लाइन स्ट्रीम लाइन ज्यादा कराउंड दिखा देता हूँ तो यहाँ बोल देता हूँ वेलोसिटी मोर, और यहाँ स्ट्रीम लाइन जैसे दिखा देता हूँ तो बोलता हूँ वेलोसिटी लेस। और ये सब मैं कुछ ज्यादा बात नहीं कर रहा कि एयर किस डायरेक्शन में जा रही है, बॉल किस डायरेक्शन में जा रही है। मैं यहाँ स्ट्रीम लाइन अगर पास पास दिखानी है तो मुझे दिख रहा है वेलोसिटी मोर, और स्ट्रीमलाइन दूर दूर दिखाई है तो मुझे दिख रहा है वेलोसिटी लेस है, बस इतना काफी। क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये सब बातों पे मैं ध्यान नहीं दे रहा, कोई आवश्यकता नहीं है। बस द बॉल इज मूविंग फॉरवर्ड एंड रिलेटेड टू द एयर इज मूविंग बैकवर्ड, देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ एयर अबव द बॉल रिलेटेड टू द बॉल इज हायर एंड बिलो इट इज स्मॉलर, द स्ट्रीमलाइन डस गेट क्राउडेड अबव एंड वेरीफाइड बिलो। बस हम तो ये डायग्राम थोड़ा बहुत देख रहे हैं, बिल्कुल काम का नहीं है। और जहां स्ट्रीमलाइन आपने पास पास दिखाई है वहां वेलोसिटी ज्यादा है, और जहां स्ट्रीमलाइन आपने दूर दूर दिखाई है वहां वेलोसिटी लेस। बस दिस डिफरेंस इन द वेलोसिटीज ऑफ एयर रिजल्ट्स इन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर फेसेस एंड देयर इज अ नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉल। आप तो इन सारी चीजों में, एरोप्लेन हो या हाइड्रोफाइल हो या स्पिनिंग बॉल हो, हमेशा हमेशा एक कॉमन चीज होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना कि भाई ऊपर वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होगी तो ऊपर प्रेशर हमेशा कम होगा, वेलोसिटी मोर तो प्रेशर लेस। ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऊपर हमेशा अपर साइड पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स की या जितने भी सिचुएशंस की बात करेंगे उनके अपर साइड पे हमेशा वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर हमेशा लेस होगा, और यहाँ जहाँ वेलोसिटी लेस होगी वहां प्रेशर मोर होगा। तो यहाँ हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है तो प्रेशर डिफरेंस के कारण इस पे फोर्स अपवर्ड्स लगेगा, इस फोर्स को ही आप लिफ्ट कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पांच स्टार वाली बात है, अलग से मैं इसे किसी नाम से लिखवा दूंगा, अभी छोड़ दीजिए। डायग्राम में आपने ऑलरेडी लिख लिया है तो ठीक है। द डिफरेंस इन द वेलोसिटीज ऑफ एयर रिजल्ट्स इन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर फोर्सेस, देयर इज अ नेट अपवर्ड फोर्स, दिस डायनामिकली ड्यू टू स्पिनिंग इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। हम हेडिंग दे देते हैं और उसमें ये पढ़ लेते हैं, आप हेडिंग दे दीजिए मैग्नस इफेक्ट, हेडिंग है मैग्नस इफेक्ट। मेरे हिसाब से ये नाम भी ऐसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ये नाम भी इंपॉर्टेंट नहीं, बस वो पूछ सकता है, पूछेगा तो नहीं कि मैग्नस इफेक्ट इज, मतलब दे देगा एप्लीकेशन और बोलेगा स्पिनिंग ऑफ अ बॉल और बोलेगा ये किससे रिलेटेड है, जवाब है मैग्नस इफेक्ट। ऐसे कुछ सारे फीचर्स कहें मैग्नस इफेक्ट से रिलेटेड है। तो कहता है
मैग्नस इफेक्ट में तो आप लिख दीजिए डायनामिक लिफ्ट, नहीं डायनामिक लिफ्ट ड्यू टू स्पिनिंग इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट, बस इतना सा है मैग्नस इफेक्ट। डायनामिक डायनामिक लिफ्ट ड्यू टू स्पिनिंग इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट, बस ये इतना सही। स्पिन जब होती है बॉल तो उससे जो लिफ्ट पैदा होती है उसमें बॉल में खाली सिर्फ उसको मैग्नस इफेक्ट कहा जाता है। इस पूरे पैराग्राफ में जिन चीजों की बात की गई है वो मैग्नस इफेक्ट नहीं है। The difference in velocities of air results in the pressure difference between the lower and upper faces, and there's a net upward force on the wall. ये वाली बातें मैग्नस इफेक्ट में नहीं हैं। मतलब वो तो रही हैं, पर मैग्नस इफेक्ट जो है केवल बॉल से रिलेटेड, केवल बॉल से रिलेटेड जो है वो मैग्नस इफेक्ट है। हम तो नीचे यही बात आपको आप हेडिंग दे दीजिए प्रिंसिपल ऑफ एरोफॉइल, ये दे दीजिए आप एरोफॉइल हेडिंग दे दीजिए, या ब्रैकेट में एरोप्लेन लिख दीजिए, एरोफॉइल एरोप्लेन एरोप्लेन तो लिख दीजिए वहां पर बड़ा बड़ा क्लियर तीन स्टार देखेंगे। एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन बर्नौली प्रिंसिपल, एरोप्लेन इज नॉट बेस्ड ऑन मैग्नस इफेक्ट, एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन बर्नौली प्रिंसिपल। एयर का जो ये विंग रहता है इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से रहती है, इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से रहती है कि यहाँ एयर की वेलोसिटी मोर होती है, यहाँ एयर की वेलोसिटी मोर होती है और यहाँ एयर की वेलोसिटी लेस होती है। इसके शेप को कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ शेप ऐसा है और यहाँ ऐसा है या किताब में तो ऐसा बना है, शेप पे मत जाइएगा, किताब में तो कुछ अलग ही ऐसा ऐसा है ओवल टाइप का शेप बनाया है, तो किताब में जो शेप है एग्जैक्टली वो शेप इम्पोर्टेंट नहीं, ऐसा कुछ शेप बनाया है। शेप्स को से आप याद रखने की कोशिश मत करिए, शेप से रिलेट करने की कोशिश मत करिए। इसी भी तरह ये रटिए कि ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होती है तो ऊपर प्रेशर लेस होता है, नीचे वेलोसिटी लेस होती है तो ऊपर प्रेशर वेलोसिटी लेस होती है तो प्रेशर मोर होता है। ये हाई प्रेशर है लो प्रेशर है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक एक फोर्स लगता है। एरोप्लेन के विंग्स में कंस्ट्रक्शन इस तरह से है कि बस नीचे हाई प्रेशर आता है ऊपर लो प्रेशर आता है तो ये फोर्स हमेशा अपवर्ड्स होता है। ये इसका नाम है डायनामिक लिफ्ट, लिफ्ट मतलब थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे तो ये फोर्स, अब तो आपको बड़ी बात ये लिखिए दिस फोर्स इज ऑलवेज अपवर्ड्स, ऑलवेज वर्टिकली अपवर्ड्स, ये जो फोर्स होता है हमेशा वर्टिकली अपवर्ड्स होता है। इसका मतलब प्रेशर हमेशा नीचे होता है, नीचे हमेशा प्रेशर ज्यादा होता है और ऊपर हमेशा प्रेशर लेस होता है, ये सब रटना पड़ेगा। इसी लॉजिक से मैं आपको रिलेट नहीं कर पाऊंगा, कर तो सकते हैं पर बहुत बियॉन्ड जाना पड़ेगा कि ऊपर वेलोसिटी ज्यादा क्यों होती है, शेप से रिलेट करना पड़ेगा, नहीं कर पाएंगे। ऊपर वेलोसिटी ज्यादा क्यों होती है मुझे नहीं मालूम, बस रटना है कि ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होती है तो ऊपर प्रेशर कम होता है। ये लिफ्ट का केस है और लिफ्ट मतलब फोर्स अपवर्ड काम कर रहा है, मतलब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है और यहाँ प्रेशर कम है और हाई प्रेशर लो प्रेशर एरोप्लेन अपने आप ऊपर उठ जाता है। बात जेट प्लेन की नहीं हो रही है, ब्रैकेट में लिख दीजिए जेट प्लेन वर्क्स ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन का प्रिंसिपल है बर्नौली प्रिंसिपल और जेट प्लेन का प्रिंसिपल है न्यूटन्स थर्ड लॉ। आपको किसी भी तरह यह रटना है, इसने आगे पढ़ा लिखा ही है, चलिए उसको पढ़ते हैं। एरोप्लेन एरोफॉइल और लिफ्ट ऑन एयरक्राफ्ट विंग, एयरक्राफ्ट के विंग पे वो लिफ्ट की बात कर रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसका न्यूमेरिकल। वेंचुरीमीटर इंपॉर्टेंट नहीं है, एरोप्लेन इंपॉर्टेंट है, वेंचुरीमीटर पे आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे, एरोप्लेन की लिफ्ट पे या कभी भी लिफ्ट पे न्यूमेरिकल मिलेंगे। इसको उल्टा याद कर सकते हैं सर। Figure 10.13c shows an aerofoil which is a solid piece shaped to provide an upward dynamic lift when it moves horizontally through air. कुछ मत पढ़िए सब कुछ, shape के बारे में कुछ मत पढ़िए। The cross section rings on a aeroplane look somewhat like the aerofoil. हमें नहीं पता कि cross section कैसा दिख रहा है और हम उसे जानना भी नहीं चाहते। When the aerofoil moves against the wind, the orientation of the wing related to the flow direction causes the streamlines to crowd together. हाँ, ये हम जरूर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अगर wing है, ये अगर सपोज ये विंग है, कैसा बना दिया मैंने, ये मान लीजिए विंग है तो हाँ ये आपको ये स्ट्रीमलाइन जरूर ध्यान से पूछ सकता है डायग्राम। स्ट्रीमलाइंस यहाँ पर ऐसी आएंगी और यहाँ पे ऐसी आएंगी, यहाँ पे स्ट्रीमलाइंस क्राउडेड है तो यहाँ पे वेलोसिटी मोर है, वेलोसिटी मोर है तो प्रेशर लेस, और यहाँ स्ट्रीमलाइंस फार अपार्ट है, स्ट्रीमलाइंस यहाँ स्ट्रीमलाइंस दूर दूर है, ऐसा डायग्राम दे सकता है कि एयरफॉइल के आसपास स्ट्रीमलाइंस कैसे होंगी। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, क्वेश्चन तो हमेशा लिफ्ट का ही आएगा, क्वेश्चन तो हमेशा लिफ्ट कैलकुलेट करने का ही आएगा, चाहे वो प्रेजेंटेशन क्वेश्चन का कितना भी चेंज कर दे।
द फ्लो स्पीड ऑन द टॉप इज हायर देन बिलो इट, बस यही रखना है आपको, तो ऊपर स्पीड ज्यादा है, ऊपर स्पीड ज्यादा है, फ्लो स्पीड ऑन द टॉप इज हायर देन बिलो इट, देयर इज एन अपवर्ड फोर्स रिजल्टिंग इन अ डायनामिक लिफ्ट ऑफ द विंग्स एंड दैट बैलेंसेस द वेट ऑफ द प्लेन. द फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट्स दिस. अगर हॉरिजॉन्टली प्लेन चल रहा है उसमें वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है. ये थोड़ी डीप मैथमेटिकल बात हो रही है, जरा इनका क्वेश्चन ही देख लें. पहले तो मैं आपको ये याद कराना चाहूंगा, एक क्वेश्चन है कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहां पे आंधी तूफान ज्यादा चलते हैं, वहां पे जो हट होती है, पहाड़ी इलाके जहां आंधी तूफान ज्यादा चलते हैं, जहां हट होती है, उस पे कहां प्रेशर ज्यादा होता है, कहां प्रेशर कम होता है, या कहां वेलोसिटी ज्यादा होती है, प्रेशर की बात करते हैं, या उस पे फोर्स, छत पे फोर्स अपवर्ड्स होता है कि डाउनवर्ड्स होता है. तो छत क्यों पे ऊपर उठती है, इसका मतलब छत पे फोर्स अपवर्ड्स ही होता है. बस क्वेश्चन चलिए इतना लिख दीजिए कि हाई विंडी एरियाज में, हाई विंडी एरियाज में द रूफ इज लिफ्टेड अप, रूफ इज लिफ्टेड अप, दिस इज बेस्ड ऑन, दिस इज बेस्ड ऑन, और एक ऑप्शन कहता है मैग्नस इफेक्ट और एक ऑप्शन देता है बर्नौली प्रिंसिपल. तो जो छत ऊपर उड़ जाती है, छत ऊपर उड़ जाती है, ये मैग्नस इफेक्ट पर बेस नहीं है. बॉल की स्पिनिंग या जो बॉल का स्विंग है वो मैग्नस इफेक्ट से रिलेट किया जा सकता है. स्पिन या रादर एक्चुअली स्विंग, खैर ये मैग्नस इफेक्ट पर रिलेटेड नहीं है, बर्नौली प्रिंसिपल पे बेस है. यहाँ भी ध्यान रखिए कि यहाँ घर के अंदर जो हवा है तो ट्रैक हो गई, यह ट्रैक हो गई तो यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई. इनसाइड जो वेलोसिटी है वो जीरो हो गई या लेस हो गई, वेलोसिटी लेस, और यहाँ तो अच्छे आंधी तूफान आ रहा है तो यहाँ वेलोसिटी मोर. बस जो ये सिचुएशन है वही एरोप्लेन में भी है, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा, नीचे वेलोसिटी कम, यही एरोप्लेन में भी है, हर उस चीज में जिसमें भी उन्होंने बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई की और अपवर्ड लिफ्ट की बात कर रहे हैं, अपवर्ड लिफ्ट की बात कर रहे हैं, वह हर केस में यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी ताकि यहाँ प्रेशर ज्यादा हो, और यहाँ वेलोसिटी बाहर वेलोसिटी ज्यादा होगी ताकि यहाँ पर प्रेशर कम हो. ये हाई प्रेशर है और लो प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस के कारण छत हो जाती है. अगर उड़ना ही है बार बार तो पूरा घर धराशायी हो जाए, उससे अच्छा हम कहते हैं तू छत ले जा, हम दोबारा डाल लेंगे, सस्ती सी छत डाल देते हैं और बार बार बदलते रहते हैं. अप है, डायनामिक लिफ्ट है, लिफ्ट, और अगर लिफ्ट है तो फोर्स अपवर्ड्स है, मतलब नीचे प्रेशर ज्यादा है ऊपर प्रेशर कम है, ये रटना है आपको, ये रटना है. बस एग्जाम्पल देखते हैं 10.8, जो मैथमेटिकल बात है हाँ वही केवल ज्यादा काम की है. आज की क्लास में एसेंशियली हमने कुछ खास पढ़ा नहीं है अभी तक, क्योंकि वेंचुरीमीटर के जितने भी फॉर्मूले हैं मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं. पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर से वो निकल ही आएगा वापस, पी वन माइनस पी टू हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर. ओके आगे चलते हैं. 10.8 कहता है अ फुली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट हैज अ मास ऑफ दिस मच केजी, शायद पैसेंजर्स प्लस जो डेड वेट है एयरक्राफ्ट का वो सब मिला के इतना दिया है. फुली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट हैज अ मास, मास दिया है केजी में दिया है, न्यूटन में नहीं दिया है. इट्स टोटल विंग एरिया, टोटल दिया है, शायद दोनों तरफ का मिला के टोटल मीटर स्क्वायर में दिया है. इट इज अ लेवल फ्लाइट, ये बात काम की है, लिख दीजिए आप. लेवल फ्लाइट मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लाइट, ये हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, लिख दीजिए. इट इज अ लेवल फ्लाइट दैट इज हॉरिजॉन्टल. सो इट द ऑब्जेक्ट इज द प्लेन इज सब्जेक्टेड टू वर्टिकल इक्विलिब्रियम. अगर वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स ऊपर होता तो हवाई जहाज ऊपर उड़ता, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स नीचे होता तो हवाई जहाज नीचे आता. ये लेवल फ्लाइट में ऊपर ना तो ऊपर फोर्स है ना नीचे फोर्स है, वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें इक्विलिब्रियम है. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज हमें मिल गया है. लेवल फ्लाइट इज अ कीवर्ड. स्पीड इसने किलोमीटर पर आर में दी है. तो एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर सरफेसेस ऑफ द विंग्स. ये अच्छा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, ये हवाई जहाज का एफबीडी बना रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम, ये उसका मास है, ये फोर्स नीचे काम कर रहा है एमजी, और ये फोर्स अपवर्ड काम कर रहा है, और इक्विलिब्रियम है तो एमजी है, तो शायद ये फोर्स को मैं डेल्टा पी इनटू ए लिख सकता, इससे प्रेशर डिफरेंस निकल आएगा. बड़ा ही प्यारा सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
लेवल फ्लाइट के लिए भी इसको प्रेशर डिफरेंस चाहिए, क्योंकि mg को इसके कौन संभालेगा, नहीं तो एक फोर्स अपवर्ड चाहिए mg को संभालने के लिए। और अगर ये थोड़ा चाहेगा ऊपर वेलोसिटी और ज्यादा कर लेगा हवा की, तो ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा और प्रेशर डिफरेंस होगा तो फिर हवाई जहाज एक्सेलरेशन से ऊपर उठेगा। सवाल में आपको देखना पड़ेगा कि हवाई जहाज एक्सेलरेशन से ऊपर उठ रहा है कि वो लेवल फ्लाइट में, अगर वो एक्सेलरेशन से ऊपर उठ रहा है तो शायद ये इसको आप m into g plus a से इक्वेट करेंगे। जब भी कोई भी बॉडी एक्सेलरेशन से ऊपर उठती है तो हम mg नहीं mg plus a की बात करते हैं। फिलहाल तो इसी सवाल की बात करते हैं जो हमारे सामने है लेवल फ्लाइट में। सवाल है एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर सरफेसेस ऑफ द विंग। विंग ये बढ़िया हो गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। प्रेशर डिफरेंस को मैंने फोर्स को mg से इक्वेट किया, वर्टिकल डायरेक्शन इक्विलिब्रियम है, ये फोर्स प्रेशर डिफरेंस के कारण है और ये p बॉटम माइनस p टॉप इनटू a है। पर मैं इतने डिटेल में क्यों बोलूं, फोर्स है प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स है प्रेशर इनटू एरिया, ये पार्ट हो गया। अब b कह रहा है एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग रिलेटेड टू द लोअर सरफेस। एयर की कुछ डेंसिटी दी है, ये सेकंड पार्ट में नहीं कर रहा। ये पार्ट थोड़ा सा अगर हम करेंगे तो हमारा फर्स्ट पार्ट में से भी कॉन्फिडेंस चला जाएगा, इसलिए मैं सेकंड पार्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरी तरफ से ये इतना पोर्शन समाप्त होता है गाइस, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।